मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे ओपी गुप्ता केमिकल रिएक्शन इंजन लेक्चर नंबर 10। आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक। तो आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है और हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे सब्जेक्ट में ओपी गुप्ता को कवर कर रखा है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे प्ले लिस्ट में सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। सबसे पहले आप केमिकल इंजन केमिकल ग्रुप गुरु नाम से एक चैनल सर्च करोगे, उसके बाद जाओगे प्ले लिस्ट में और प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप वहाँ पर हमारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है कि व्हेन अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन द रेट कांस्टेंट। एक्चुअली क्या होता है कि जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा टॉपिक है कि कह रहा है कि कैटलिस्ट जो होता है, अगर हम किसी भी रिएक्शन में यूज करते हैं और उससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, तो ऐसे केस में रेट कांस्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रेमेनिंग कांस्टेंट या फिर बिकम इनफाइनाइट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए हम इस पर डिस्कशन करें। जब हमने शुरू में बात की थी तो बताया था कि रेट कांस्टेंट अगर हम कंसंट्रेशन को यूनिटी ले लेते हैं तो उसको हम एब्सोल्यूट रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तो ऐसे केस में स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। तो हम इस तरीके से हम एक बात कह सकते हैं कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। ऐसे केस में अब रेट कांस्टेंट यहाँ पर बढ़ेगा, इसमें क्या होता है कि एक्चुअली रेट कांस्टेंट हमारा और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का फंक्शन है। मगर रेट कांस्टेंट को देखें हम, मान लो आर एन एस थ्योरी से के इक्वल टू के नॉट ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक, इससे देखा जाए तो अगर ई की वैल्यू अगर क्या होगा, हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कैटलिस्ट यूज करने पर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है, जिससे के की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसको मैंने दिखाया हुआ है, आइए देखें। देख लीजिए यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर हम देखिए, अगर हमने ई की पावर मान लो ई की वैल्यू ई अपॉन आर टी को मैंने 2 लिया है ऊपर वाले सेक्शन में, तो हमारा के की वैल्यू जो है वो 0.1353 आ गई है। अगर हम के की वैल्यू ई की ई अपॉन आर टी वैल्यू को 1 लिया है, यानी मैंने ई को कम किया है, ई को कम किया है, तो के की वैल्यू 0.3678 आई है, यानी ई की वैल्यू घटेगी तो हमारी के की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसमें मैंने क्या है कि बहुत सारे आईआईटीज प्रोफेसर हैं, उनके उनके जो है लेक्चर्स को और उनके जो है कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, तो वहाँ पर पाया गया कि यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट है एक्चुअली वो इंक्रीज होगा। ठीक, तो बिकम इनफाइनाइट इसमें आंसर दिया हुआ है, मगर हम उसके आंसर के पक्ष में नहीं है, हम बोल रहे हैं सिर्फ कि वो इंक्रीज होगा। ओके, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो 41 का आंसर था बी। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ लिक्विड फेज, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ लिक्विड लिक्विड ए बाय इरिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 12 मिनट। ठीक, हाफ ऑर्डर जो है वो हाफ लाइफ पीरियड जो है, हाफ लाइफ पीरियड जो है 12 मिनट दिया हुआ है किसी भी रिएक्शन का, और जो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, वो कैसी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो कह रहा है कि इसमें द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 75% कन्वर्जन ए, तो ऐसे केस में 75% कन्वर्जन चाहिए हमें तो कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो हमें यहाँ पर टी हाफ दिया हुआ है और हम जानते हैं कि टी हाफ क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो वैल्यू होती है टी हाफ की 0.693 अपॉन के होती है, तो टी हाफ दिया हुआ है तो यहाँ से के निकाल सकते हैं, हम के निकाल लेंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें याद होगा कन्वर्जन के टर्म में लिखे तो माइनस आइलन वन माइनस एक्स ए इक्व टू के टी। ठीक, इस इक्वेशन का यूज करेंगे और एक्स की वैल्यू 0.75 रखेंगे। ठीक है, और के की वैल्यू जो निकाली वो रखेंगे और टी की वैल्यू निकाल लेंगे तो 24 आंसर आ जाएगा। टी की वैल्यू 12 मिनट है तो के की वैल्यू हमने निकाली है तो 0.693/12 0.057775 आ गया, और माइनस फिर हमने फॉर्मूला लगाया माइनस आइलन वन माइनस एक्स इक्व टू के टी, तो यहाँ से वैल्यू को पुट करने पर टी इक्व टू 24 मिनट आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम देखें क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 है द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन जानते हो हम सिंपल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक, तो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम,
तो सी आंसर है इसका, द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नहीं टाइम ऑफ रिएक्शन, नहीं टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करता है, इसलिए 143 सी। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब परस्पर वजन कितना हुआ है, इस पर डिपेंड नहीं करता, टाइम टेम्परेचर डिपेंड करता है, तो 143 का सी। 144 देखिए, द रेट एट विच केमिकल सबस्टांस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक द रेट जो होता है एक्चुअली क्या था कि अगर रिएक्शन कोई ए से लेकर प्रोडक्ट बन रहा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो कंसनट्रेशन ऑफ ए होता है इसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक ऐसे दिखाओगे इंटरमीडिएट आपने थ्योरी पढ़ी होगी, जिसको द्रव्य प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, ठीक तो एक्चुअली ये लॉ है मास सब्जेक्टिव लॉ था, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास, एक्टिव मास मीन्स कंसनट्रेशन, तो इसका जो है जो इसका ए आंसर राइट होगा 144 का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145 क्वेश्चन है, द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एक्ट एज कैटलिस्ट इज कॉल्ड, हमने देखा था कि कोई रिएक्शन हो रही है ए से आर बन रहा है, अगर ये प्रोडक्ट है इसी रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए एज ए कैटलिस्ट बिहेव करने लगे तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट रिएक्शन, ठीक वो यहाँ पर भरना है। देखें क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है कि फॉर द आइडेंटिकल फ्लोरेट, हम मतलब फ्लोरेट एफ ए नॉट को हम आइडेंटिकल रखें सेम रखें, द फीड कंपोजिशन जो हमारा फीड कंपोजिशन है कितने परसेंट उसमें इनर्ट है कितने परसेंट उसमें रिएक्टेंट है, ए कितने परसेंट है और आई कितने परसेंट है, इसको भी दोनों केस में सेम रखें, तो कह रहा है एक्स पहले फ्लोर रिएक्टर मतलब नंबर ऑफ पी एफ आर दिया है एक्स, एक्स पी एफ आर इन सीरीज, कह रहे हैं कि एक्स पी एफ आर जो है वो किस में है सीरीज में है सही, विद टोटल वॉल्यूम बी, जिनका टोटल वॉल्यूम जोड़ दिया है तो वॉल्यूम कितना हो जाता है बी वॉल्यूम हो जाता है, गिव्स सेम कन्वर्जन, सेम कन्वर्जन देगा, कन्वर्जन जितना फाइनल मिल रहा है उतना ही कन्वर्जन मिलेगा अगर सी एस टी आर वॉल्यूम बी, अगर उतने वॉल्यूम का हम सी एस टी आर यूज कर लें तब हमें उतना ही मिलेगा, ठीक है ये कहना चाह रहा है, तो पी एफ आर ऑफ वॉल्यूम बी हम सिंगल एक पी एफ आर यूज कर लें बी वॉल्यूम का, तो हमने आपको बताया था कि अगर हम इस तरीके से रिएक्टर को हम लें और हमने देखा कि हम क्या करते थे, मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्या काम करेंगे एक कोई रिएक्शन है सेम वॉल्यूम कर लें पी एफ आर और सेम वॉल्यूम लें सी एस टी आर, तो मैंने कहा था कि जो हमारा सेम वॉल्यूम लेने पर क्या हो रहा है कि हमारे इतना कन्वर्जन ले रहे हैं तो इसमें पी एफ आर इतने वॉल्यूम में इतना कन्वर्जन दे देगा, जबकि एम एफ आर जो है वो इतना वॉल्यूम घेरेगा तब हमें उतना ही कन्वर्जन देगा, यानी इसका मतलब हमने सीखा था वहाँ पर कि हम लोगों ने लेक्चर पढ़े तो वहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किया था, तो ऐसे कैसे मैंने देखा था कि क्या हो रहा है कि कन्वर्जन पी एफ आर में ज़्यादा मिल रहा है एम एफ आर के मुकाबले में, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्या काम करें कि हम क्या काम करें कि कन्वर्जन हमने एक में कर इतने हिस्से में कराया फिर इतने में कराया, ठीक हम चाहें तो पूरा इतना वॉल्यूम का एक रिएक्टर ले लें या फिर हम इसको दो रिएक्टर में डिवाइड कर लें तीन रिएक्टर में डिवाइड कर लें, दोनों केस में क्या हो रहा है कि सेम वॉल्यूम लग रहा है और कन्वर्जन भी सेम मिल रहा है, ठीक तो सेम कन्वर्जन पर सेम वॉल्यूम मिलता है, तो मैंने कहा था अगर हम एन नंबर ऑफ रिएक्टर सी एस टी आर हम सीरीज में यूज करेंगे तब भी वॉल्यूम उतना ही लग रहा है कन्वर्जन उतना ही मिल रहा है, तो नंबर ऑफ सी एस टी आर यूज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक तो वहाँ पर सेंटेंस आया था कि अगर हम एक बी वॉल्यूम का रिएक्टर लें मान लो 10 लीटर का एक रिएक्टर ले लें तो कन्वर्जन मिलेगा, या फिर एक ही लीटर के 10 ले लें तब कन्वर्जन मिलेगा सेम मिलेगा, तो वही वाला केस यहाँ पर है, ऊपर बोल रहा है कि 10 अगर पी एफ आर सी में लगे हुए हैं उनका वॉल्यूम बी है 10 लीटर है तो और कौन सा केस होगा, तो आप बोलोगे पी एफ आर आप वॉल्यूम बी 10 लीटर का एक पी एफ आर यूज कर लेंगे तब भी भाई फ़ायदा होगा, ठीक जिसका राइट आंसर है इसको मैंने दिखाया है, और सी एस टी आर अगर हम ले लेंगे उसी वॉल्यूम का तो कन्वर्जन हमें कम मिलेगा, ठीक उतना ही नहीं मिलेगा सेम कन्वर्जन रखना है इसलिए कंडीशन है, क्लियर तो क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं, द स्पेस टाइम इज इक्विवेलेंट टू द होल्डिंग टाइम इन अ स्टेडी स्टेट मिक्स फ्लो रिएक्टर, अगर कहीं पर कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक एप्सिलॉन ए जीरो है, डेंसिटी कांस्टेंट है मतलब ये कि एक मोल से कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें एक मोल से एक मोल प्रोडक्ट बन रहा है, एक मोल रिएक्टेंट से एक मोल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि दोनों कंडीशन उसकी होल्डिंग टाइम और जो है क्या बोलते हैं स्पेस टाइम दोनों बराबर होते हैं, ठीक तो उसके लिए हमने टर्म यूज किया है कांस्टेंट फ्लूइड डेंसिटी सिस्टम, अगर होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि हमारा स्पेस टाइम होल्डिंग टाइम बराबर होंगे, हम लोग लेक्चर में बहुत सारी बात कर चुके हैं,
तो क्वेश्चन नंबर 148 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन, इनमें से कौन सी रिएक्शन ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन है। फोटो केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट ए प्रकाश की एनर्जी को फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, उसकी अपनी एनर्जी एक्टिव एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और इससे रिएक्शन क्या होती है। तो ये इसमें कोई भी ऐसी टाइप का नहीं है कि इसमें पोलराइजिंग कैटलिस्ट काम करे, तो ये राइट आंसर है, नहीं है। बी माइक्रोवेव फर्मेंटेशन, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें मान लो कोई रिएक्टेंट होता है और उसमें क्या होता है कि कम संख्या में माइक्रोब जो होते हैं फर्मेंट होते हैं, वो क्रिया में भाग लेते हैं और प्रोडक्ट बनता है, और साथ में नंबर ऑफ माइक्रोब क्या होते हैं इंक्रीज जाते हैं। ठीक, मान लो 50 माइक्रोब यहाँ भाग लिए हैं तो यहाँ पर 500 माइक्रोब बन जाएंगे। अब वो 500 माइक्रोब जो होंगे दोबारा से जो और ज़्यादा रिएक्टेंट को इनिशिएट करेंगे, एज ए कैटलिस्ट काम करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो एज ए कैटलिस्ट काम करता है, इसलिए माइक्रोबियल फर्मेंटेशन रिएक्शन को हम अंडर ऑटोमेटिक रिएक्शन रखते हैं। एंजाइम फर्मेंटेशन रिएक्शन सिंपल टाइप ऑफ कैटलिस्ट होता है जिसमें प्रोडक्ट हमारा काम करे, जी कोई जरूरी नहीं है। अमोनिया रिएक्शन में ऐसी कोई बात नहीं होती, हम लोग केमिकल टेक्नोलॉजी में अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया है, इन अ रिएक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल, थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके इक्वल होती है, ए प्लस आयन या फिर एन या फिर ए माइनस आयन। ये क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है और नॉर्मल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एन, जो मैंने आपको पढ़ाया था पहले लेक्चर तो बताया था इस तरीके से कर्व आता है। यहाँ पर इस समय रिएक्टेंट यहाँ पर होता है ए और प्रोडक्ट यहाँ पर पी होता है, तो इतनी एनर्जी को बोलते हैं नॉर्मल एनर्जी या फिर एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, और यहाँ से एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इस समय जो पूरी एनर्जी होती है इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी इधर समेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ए एंड नॉर्मल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एन, इसलिए 149 का सी है। 150 के बारे में बात करें तो कैटलिस्ट इन द फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन चेंज। ठीक, कोई भी हमारी ऑर्डर का रिएक्शन हो उसमें कैटलिस्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, इसलिए 150 का आंसर है बी, ओके, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, एक्चुअली क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कैसे करता है, जो रिएक्शन जो हो रही है आपस में मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन टकरा रहे हैं, तो उनके टकराने के लिए इजीनेस को बढ़ा देता है, इट इंक्रीज द इजीनेस ऑफ कोलिजन बिटवीन अप टू मॉलिक्यूल्स। ओके, तो हम कोशिश करते हैं कि आप इंग्लिश में बात करें, मगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी में समझते हैं और क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा रहता है, तो दैट इज़ वेरी सिंपल। तो कोई भी इंग्लिश का स्टूडेंट है किसी भी प्रदेश का वो समझ सकता है। तो मेरा प्रयास है कि आपको अच्छी एजुकेशन दे सकूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।